हाय, वेलकम बैक। आज के लेक्चर का मोटिव है वेब के बारे में थोड़ा पढ़ना और HTML के बारे में थोड़ा पढ़ना, यही आज का गोल है। तो इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। आप हम सब आजकल इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं और ये बहुत ही औसम बात है, क्योंकि आप सोचिए कि मुझे अगर आपको ये लेक्चर डिलीवर करना है तो ये मेरे लिए कितनी आसान बात है। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैंने उस आइडिया को एक फाइल में रखा, एक सर्वर पे डाल दिया और अब आप आए, सो के उठे, आपने जो है वेबसाइट पे लॉगिन किया और वो फाइल आपके पास आ गई। इंस्टेंटली आपके पास वो फाइल डिलीवर हो गई, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ा और वो फाइल आप कितनी भी बार ले सकते हैं। पुराने ज़माने में मुझे अगर आपको कोई बात कन्वे करनी होती तो कहीं किसी किताब में लिखना होता, कहीं कोई चिट्ठी डालनी होती या कहीं कोई किताब पब्लिश करनी पड़ती, जो कि मैं जाकर किसी लाइब्रेरी में रखता और फिर वहाँ से आप वो लाइब्रेरी में किताब इशू कराते, उसकी 10 कॉपियाँ छपती, जाने कितना पैसा खर्च होता। तो इन दैट सेंस इंटरनेट के आ जाने से इंफॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इंफॉर्मेशन आज के ज़माने में सीक करते हैं तो वो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ कर गई और वो बहुत ईजीली अवेलेबल है। पहले जब कंप्यूटर्स बने थे तो वो एज अ कंप्यूटेशन इंजन की तरह काम करते थे, वो अपना वंस और जीरोज समझते थे, बस केवल दो चीज़ें, वन और ज़ीरो, और वही रिपीटेटिवली चीज़ें कंप्यूट करते रहते थे, प्लस माइनस स्टार्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, यही बेसिक कंप्यूटेशन वो करते रहते थे। लेकिन और वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर लेकिन एक दिन एक आदमी को आइडिया आया कि यार मुझे अगर डेटा एक दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जाना होता है तो मुझे जो है फिजिकली फ्लॉपी ड्राइव में लेकर दूसरे में ले जाना पड़ता है, क्यों ना मैं किसी तरह इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, जिससे कि मुझे ड्रामा नहीं करना पड़ेगी, यहाँ से डेटा उसमें ले जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उसने जो है ऐसी डिवाइस बनाई कि चलो किसी तरह ये दो कंप्यूटर आपस में बात कर पाएंगे, और वहीं से इंटरनेट की बेसिक शुरुआत हुई। इंटरनेट बस कुछ नहीं है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू दो कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाते हैं, और सिर्फ और जैसे टेलीफोन होता है उसी तरह ये दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो ऑलमोस्ट वैसी ही बात है जैसे कि आप किसी को फ़ोन मिला रहे हैं। जब मैं किसी को फ़ोन मिलाता हूँ तो मैं उसका नंबर डायल करता हूँ, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है टावर पे, फिर टावर से जो है जिसको मैंने फ़ोन मिलाया है उसके फ़ोन पर जाती है, वो फ़ोन उठाता है और वो जवाब देता है मुझे कि जो है हेलो, हाँ क्या हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं जो है गूगल के सर्वर पर जाता हूँ और मैं डालता हूँ www.google.com या फिर www.mangeji.com, तो यहाँ से कुछ जवाब आता है, और जब वो जवाब आता है वो क्या हुआ, वो सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स भेजा। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, हेलो बोलता हूँ, वो मुझे जवाब देते हैं, इसी तरह इस सर्वर ने मुझे जो है रिस्पॉन्स भेजा। और इस सर्वर ने एक्चुअली, आप देखें तो देखने में इतना सुंदर लग रहा है, व्यू पेज सोर्स आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने मुझे फाइल भेजी है एक, तो और ये फाइल मैंने लिखी थी खुद हाथ से, एक चीज़ बाय चीज़ जो भी वेबसाइट बनाता है उसे ये फाइल लिखनी पड़ती है। इस फाइल को कहते हैं HTML। और एक्चुअली आज के लेक्चर का गोल यही है कि मैं आपको HTML, ये जो फाइल है, इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं। जब पहले लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे, आज भी कर रहे होंगे, लेकिन क्रोम भी है, और ये सब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ये एक बेसिकली ब्राउज़र खुद में एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कि जब आप यहाँ पर डालते हैं www.mangeji.com तो उसे पता होता है कि रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है और जब उसका जवाब आए तो उसे कैसे दिखाना है। इस ब्राउज़र को जब जवाब मिलता है तो जवाब इसे ऐसे रॉ फॉर्म में मिलता है, रॉ फाइल के फॉर्म में, लेकिन फिर ये क्या करता है, आपको ये रॉ फाइल नहीं दिखा देता। आप अगर नोटपैड में खोलेंगे तो ये रॉ फाइल ही आपको दिखेगी, लेकिन ये उसे प्रिटीफाई करके दिखाता है। ब्राउज़र जो है, ये जो भाषा है HTML, वो समझता है। इसे जब दिखता है कि टाइटल लेक्चर्स है तो ये यहाँ पर टाइटल लेक्चर्स कर देता है। जब इसे दिखता है कि जो है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो फिर ये यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड इस तरह सुंदर सा क्लिक सा बना देता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो है क्या करेंगे कि हम खुद की HTML फाइल लिखेंगे। अच्छा, ब्राउज़र की एक और ख़ास बात होती है कि आप इसमें सिर्फ रिमोट वेबसाइट नहीं देख सकते, आप इसमें चाहें तो खुद की वेबसाइट, खुद की लोकल फाइल देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यूज़र्स में डालूँ तो मेरे पास जो भी फाइलें हैं, मूवीज़ हैं, लाइब्रेरी है, डाउनलोड्स है, सब आ गई। फिर मैं यहाँ पर डालूंगा कि साहब डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में मैं देखूंगा कि डेस्कटॉप में सिर्फ एक फोल्डर है, ए फोल्डर, वो दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, Ctrl+F, डेस्कटॉप हेलो डॉट HTML, और ये होगी हमारी HTML फाइल, ये हमारी HTML फाइल होगी।
तो हमने ये फाइल क्रिएट कर ली, अभी ये एम्प्टी फाइल है, आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और ये आ गई हेलो डॉट एच टी एम एल, आपने क्लिक की, ये आपकी पहली एच टी एम एल फाइल रेडी है, आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। दोस्तों को बता दीजिए आपने वेबसाइट लिख ली है, लेकिन बस ये कि अभी खाली है, पर खैर इट्स अ गुड स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन आपने लिखी डॉक टाइप एच टी एम एल। इस लाइन के बारे में अभी ज़्यादा चिंता मत करो, ये जो लाइन है वो बेसिकली सिर्फ इतना बता रही है पहली लाइन कि ये एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन है जो कि ये बता रहा है कि ये एच टी एम एल फाइव में मैं फाइल लिख रहा हूँ, और ब्राउज़र इसे समझता है और ये एक तरह का कमेंट है ब्राउज़र के लिए कि ये एच टी एम एल फाइव में लिखी हुई फाइल है। अगर आप नहीं समझ पाए तो उचका दो, अभी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हर एच टी एम एल फाइल इन दो चीज़ों के अंदर होती है, एच टी एम एल स्टार्ट, एच टी एम एल एंड। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वहाँ से शुरू होता है टैग, और ब्रैकेट के अंदर स्लैश के बाद ऐसे ब्रैकेट स्लैश ऐसे बंद होता है। तो एच टी एम एल खुला, एच टी एम एल बंद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है साहब हेड, और हेड यहाँ खुला, हेड यहाँ बंद हो गया। फिर इसी तरह आया बॉडी, और बॉडी यहाँ पर बंद हो गया। तो ये हमने जो है पहली वेबसाइट बना ली, अभी भी ये जो है एम्प्टी ही है, लेकिन हर वेबसाइट इस तरह होती है कि एचटीएमएल के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक हेड होता है एक बॉडी होता है। मेन कंटेंट जैसा कि नाम बता रहा है बॉडी के अंदर जाता है, जो भी आपको कंटेंट डालना है, और टाइटल वगैरह वेबसाइट के या फिर स्टाइल फाइल या फिर कलर वगैरह जो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो हेड में जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ नहीं डाला है, तो चलिए हम टाइटल डालते हैं। सबसे पहला शुभारंभ करते हैं टाइटल, और आपने टाइटल डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ये आपने टाइटल सेव कर दिया। आप गौर से देखना क्या हुआ, अभी मैं रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ, रिफ़्रेश किया और देखो क्या हुआ, ये देख रहे हो टाइटल ये जो है वो हेलो वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले कुछ लिख लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो मैंने पहले डाला हेडर वन, हेडर वन दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, कूल। तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो एच वन मैंने डाला है, ये एच वन टैग का मतलब होता है हेडर वन। हेडर की 6 कैटेगरी होती है, हेडर वन, हेडर टू से लेकर हेडर 6 तक, और जो कि साइज में घटती जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और हेडर डालूंगा हेडर टू, दिस इज अ सब हेडर, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक और हेडर आ जाएगा, बस वो जो है थोड़ा छोटा होगा। तो दिस इज अ सब हेडर, थोड़ा छोटा होगा। तो इसी तरह पेजेस में आपके हेडर होते हैं, थोड़े डिविजन्स होते हैं, इस तरह जो है कंटेंट उसमें भरा जाता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़े से ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ा इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेबसाइट्स में चीज़ें होती हैं जो आप क्लिक करते हैं वो आपको कहीं ले जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं यूट्यूब वीडियो चलने लगता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन उसमें है, सिर्फ लिखा हुआ स्टैटिक कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे कुछ वेबसाइट्स के लिंक, जैसे हम गूगल का लिंक ऐड करेंगे यहाँ से। तो उसके लिए हम डालते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले मैं एक डाल देता हूँ एक हेडिंग और कि साथ जो है हेडर थ्री, हेडर थ्री की वेबसाइट्स आई रियली लाइक। मान लो आप जो है ऐसी एप्लीकेशन लिख रहे हो कि सारी जो है वेबसाइट जहाँ पर आप जाते हो एक पेज पर लिख के आप रख लोगे, तो स्लैश एल आई, ये मैं क्या कर रहा हूँ एक मिनट में बताता हूँ। तो मैंने स्लैश एल आई डाला, तो मैंने बेसिकली एक लिस्ट डिक्लेयर करी यू एल, जिसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि मेरे पास एक लिस्ट होगी जिसमें दो एलिमेंट होंगे। मान लो मैंने डाल दिया गूगल और मैंने डाल दिया फेसबुक, मैंने ये डाला, पेज रिफ्रेश किया और देखिए क्या गया, वेबसाइट्स आई रियली लाइक और गूगल और फेसबुक, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट डिफाइन करी थी और उस लिस्ट के दो एलिमेंट थे गूगल और फेसबुक। यहाँ पर जो है लिस्ट आ गई और उसके दो एलिमेंट आ गए, पहला एलिमेंट गूगल और दूसरा एलिमेंट फेसबुक। लेकिन इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसा इसलिए कि अभी मैंने सिर्फ इसमें टेक्स्ट डाला है, अभी मैंने इसमें जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं डाली जिससे कि ये गूगल के होम पेज पर जाए क्लिक करने पर। वो कैसे आता है, उसके लिए आपको डालना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एन एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली डिफाइन करता है रेफरेंस जहाँ पर आपको जाना होता है। तो आपने डिफाइन करा http://www.google.com। ऑब्वियसली आप फेसबुक के दीवाने होंगे ही, हर कोई है आजकल, दुनिया का आधा टाइम जो है लाइक करने में जा रहा है। एच रेफ इक्वल्स
https://www.facebook.com और जो है यहाँ पर /a आपने डाल दिया, यहाँ पर डाला, रिफ्रेश किया और ये देखो क्या हुआ, गूगल आ गया और जो है फेसबुक आ गया। देख रहे हो कितनी गलत चीज़ हो गई। आपकी वेबसाइट से जो कि स्टैटिक वेबसाइट है आपके डेस्कटॉप पे, आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रहे हो। खैर चलिए लेट्स कीप गोइंग। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़। मान लो कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, मान लो नया फेसबुक खोल रहे हो तुम, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, facebook.com की तरह सबसे पहला पेज जो है वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि साहब लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके साइन अप करें, या फिर ये लॉग इन बटन होगा। तो इस लॉग इन बटन में क्या क्या है, ऐसे ईमेल लिखा आ रहा है जो कि एक लेबल है, पासवर्ड लिखा आ रहा है जो कि एक पासवर्ड है, फिर ये एक बक्सा सा आ रहा है जिसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, और फिर ये जो है यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ, और ये लॉग इन बटन है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ईमेल डालेंगे। तो इसे हम कहते हैं फॉर्म, जो भी चीज़ जहाँ पर आप यूज़र का इनपुट लेना चाहते हो वो एक फॉर्म में डिक्लेयर होती है। तो आप डिक्लेयर करोगे फॉर्म और फिर आप यहाँ डालोगे फॉर्म इन लेबल। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि साहब मैं ईमेल चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेबल, लेबल ईमेल। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो देखो कैसे ईमेल आ गया। अभी ये इतना सुंदर नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक हेडर डाल देते हैं बड़ा सा, हेडर टू मेरी वेबसाइट का लॉग इन कदर। तो मैं यहाँ पर डाल दिया भाई मेरी वेबसाइट का लॉग इन मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने लिख दिया मेरी वेबसाइट का लॉग इन। तो मैंने यहाँ लेबल डाला, लेबल ईमेल, एक्चुअली लेट्स मेक इट इन इंग्लिश, माय वेबसाइट्स लॉगिन स्लैश लेबल। फिर मैंने, लेकिन वहाँ पर वो बक्सा सा नहीं दिखा रहा था, तो मैंने कहा कि चलो बक्सा डाल देता हूँ। तो इनपुट डाला मैंने इनपुट, फिर मुझे डालना पड़ेगा कि किस टाइप का इनपुट है, तो वो टेक्स्ट टाइप का इनपुट है। फिर मैंने यहाँ पर इनपुट क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे कि आ गया इनपुट, मैं अपना ईमेल डाल सकता हूँ। यस कदर, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल सकता हूँ। आपकी वेबसाइट जो है बातों ही बातों में 5 मिनट भी नहीं हुए अभी और खड़ी होती जा रही है। फिर यहाँ पर आप जो है एक और डाल दीजिए, एक और इनपुट डाल दीजिए, एक इनपुट डाल दीजिए पासवर्ड, और जो है यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, पासवर्ड आ गया, ईमेल डाला मैंने जो है समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, पासवर्ड डाला। ओ ऊप्स, अब देख रहे हो क्या प्रॉब्लम हो गई, पासवर्ड जो है दिखने लगा। जैसा मैं वेबसाइट बनाऊंगा कोई लॉगिन नहीं करेगा कि भाई पासवर्ड ही दिखा रहे हैं। इसका इलाज करने के लिए यहाँ पर जो टाइप है वो मैंने गलत डाल रखा है, दे शुड बी टाइप इक्वल्स पासवर्ड। अब ब्राउजर समझ जाएगा कि जो इनपुट टाइप है वो पासवर्ड है। तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा, ईमेल डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, देखना क्या होगा, पासवर्ड नहीं दिखा रहा, स्मार्ट इनफ। खैर चलो, अरे सॉरी खुल गई, हेलो डेस्कटॉप हेलो .html, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर एक चीज़ की कमी है बस, कि जो है वो बटन सा जो आ रहा था वो नहीं आ रहा। तो चलिए बटन डाल देते हैं, लेबल सबमिट, टाइप इक्वल सबमिट। ये सबमिट टाइप करने से, वो टाइप इक्वल सबमिट डिफाइन करने से उसे पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पर सबमिट बटन डालना चाह रहे हैं, और देखिए सबमिट बटन आ गया। सैड बात यह है कि मैं यहाँ पर ईमेल पासवर्ड डालता हूँ, सबमिट डालता हूँ, कुछ होता नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये वेबसाइट अभी फुली फंक्शनल नहीं है। होपफुली फ्यूचर वर्जन्स में मैं आपको एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपकी बेस मैंने इस्टेब्लिश कर दी। अब आप यहाँ से टेकअप कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। अच्छी ऐसी कई सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो मुझे पसंद है, जैसे कि W3 Schools, जहाँ से मैंने शुरू में HTML सीखी थी। आप देख सकते हैं W3 School सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे HTML CSS वगैरह के ट्यूटोरियल हैं। अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हैं तो आप देख सकते हैं गूगल ट्यूटोरियल फॉर HTML CSS एंड JavaScript, ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा है, आप ये पढ़ सकते हैं। खैर आई थिंक दिस ये हमारा गोल था। हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट ऐसी कैसी बनाएं जिससे कि वो थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा, अभी मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं, नाम डालेंगे, पोस्ट करेंगे, पोस्ट का बटन दबाएंगे तो वो कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। वो बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन सोचो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, एक डेटाबेस में मुझे ये सेव करना पड़ा होगा जिससे आप कल को लॉगिन करो तो मैं दिखा पाऊँ, और वो सेव करना पड़ा होगा, और फिर
इंटरेक्शन, मतलब सर्वर को सर्वर साइड का कोड लिखना पड़ा होगा। क्या, चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाय।